डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम सरप्राइज ऑनलाइन क्लासेस। मैं खंड प्रताप सिंह आपको पढ़ाने आया हूँ क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन 1 आपका कह रहा है अ लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन। अब पहला है आपका 1 और 0, सॉरी माइनस 1 है। माइनस 1 से लेके हमको कहाँ तक लेना है, 0 तक के बीच के रेशनल नंबर लेने हैं। आइए हम आपको देखते रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे एक लंबर लाइन, क्या आपको दिख रहा है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। इधर पॉजिटिव नंबर, इधर निगेटिव नंबर, इधर 0 आपका। तो इस तरह बनते हैं आपके नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपका हो गया इंटीजर जितने भी आपके सामने हैं। अब इन्हीं के गैप्स में से हमको निकालना है, जैसे माइनस 1 और 0 के बीच में कितना गिनती हो सकता है, माइनस 1 से 0 के बीच में कितनी गिनती हो सकती है। हम 1/2 भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। क्यों, क्योंकि माइनस 1 की वैल्यू है कितनी, हम मान लेते हैं -1/1, -2/2, -3/3, -4/4, -5/5, -6/6, जिसमें ऊपर नीचे दोनों सेम होंगे वो हो जाएगी किसकी वैल्यू, -1 की। इसमें किसी को भी सॉल्व करोगे तो -1 ही आएगा। 0 वैल्यू क्या है, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, इनकी वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, आप लोग देख रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि अब इसी में से हमको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं, ज्यादा नहीं पालते हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इनकी वैल्यू कितनी बढ़ा लोगे, कभी -1 या 0 तक नहीं पहुंचेंगे, इसके बीच में ही रह जाएंगे, इसके बीच में ही रह जाएंगे। तब आप इसको आराम से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, -1 छोटा है किससे, -1/2 से। क्यों, माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। देखो इधर चलेंगे तो आप 6 छोटा 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 छोटा, जितना इधर आएंगे आपको उतना ही छोटा मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए छोटा हो गया। -1/2, -2/3, -3/4, ऐसे आप करते जाएंगे तो आपको कितने नंबर चाहिए, केवल क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब इस चैप्टर में अगर सवालों की संख्या देखी जाए तो 10 है, तो हम 5 क्वेश्चन इस पहले फर्स्ट उसमें पढ़ेंगे, तो आपका इस तरह से निकल आता है। आप बनाते जाएंगे इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर लास्ट में सबसे बड़ा 0 है, तो 0 से 1 के बीच के सारे नंबर आ गए। अब -2 और -1 के बीच में कितना हो सकता है, यह है आपका -2 और यह है -1, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, दुनिया के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है, हम 1 की वैल्यू मान लेते हैं -8/8, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -16/8, हो गई कि नहीं हो गई, आप कहेंगे यस सर हो गई। अरे अब 8 2 16 -2, 8 1 8 -1 हो गया, तो -16 से -8 के बीच में, -16 मतलब 2, -16 मतलब 2, ठीक, और -8 का मतलब होता है 1। अब 16 से 8 के बीच में कौन कौन गिनती है,
तो आप कहेंगे सर माइनस 15 बाई 8, माइनस 14 बाई 8, माइनस 13 बाई 8, माइनस 13 बाई 8, माइनस 12 बाई 8, माइनस 11 बाई 8। आप इस क्रम को बहुत लंबा भी खींच सकते हो, 5 या 500 नंबर्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें क्या होगा कि इसको बढ़ाना पड़ेगा, बस नीचे और ऊपर की वैल्यू बनी रहनी चाहिए। यही है आपका इस क्वेश्चन का फंडा। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइनस 4 बाई 5 से माइनस 2 बाई 3 के बीच के नंबर लिखने हैं, माइनस 4 बाई 5 कहां होगा? तो ठीक है, माइनस 5 बाई 5 के बीच में, माइनस 5 बाई 5 मतलब माइनस 1, ये माइनस 5 बाई 5। हाँ, और माइनस 2 बाई 3 कहां होगा? तो माइनस 2 बाई 3 होगा माइनस 3 बाई 3 के बाद, यानी माइनस 1 के बाद, माइनस 3 बाई 3 के बाद। अब माइनस 5 बाई 5 माइनस 3 बाई 3 दोनों कहां आ गए? एक ही जगह आ गए। हमारे पास क्या मिला? माइनस 4 बाई 5, ये कहां से है? तो माइनस 5 बाई 5 से है, यानी 1 से है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 1। माइनस 2 बाई 3 कहां से है? तो आप कहेंगे सर माइनस 3 बाई 3 से। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों की दोनों वैल्यू है माइनस 1, दो के दोनों की वैल्यू कितनी है? माइनस 1। अब इसकी गिनती को हम और बड़ा कर देते, बहुत बड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हम मान लेते हैं माइनस 15 बाई 15, माइनस 15 बाई 15, ओके। और इसको कितना कर लेते हैं? इसको भी हम 5 3 से 15 कर दिए ना, 3 5 से 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा? अरे माइनस 5 बाई 15 हो गया, तो हो गया माइनस 3 बाई 3, कितना? दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब दोनों का अगर मल्टीप्लीकेटिव हम ले लेते हैं, जनरली हम एक बड़ी गिनती मान लेते हैं, हमारे पास दोनों गिनतियां जो हैं केवल उन्हीं दो गिनतियों पे हम फोकस करते हैं, माइनस 4 बाई 5 और माइनस 2 बाई 3। चलो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 15 हो गया, इसका हो गया 15, ओके। तो 3 टाइम गया तो भी 3 टाइम गया, माइनस 12 बाई 15, ओके। अब ये 3 5 या 15 तो हो गया 10 बाई 15। अब बीच में केवल एक गिनती है आपका माइनस 11 बाई 15, उससे तो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना, उससे तो किसी कीमत पे काम नहीं चलेगा। तो काम करते 3 टाइम कर लेते, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 कितना, 12 3 जा 36, 45, 10 3 जा 30, 45। अब देखिए 36, 35, 36 में क्या फर्क है, मिल गया ना, 36 और 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे माइनस कितना, माइनस कितना, 36 के बाद कितना आता है, 35 बाई 45, 34 बाई 45, 33 बाई 45, 32 बाई 45 और 31 बाई 45। इतना सिंपल और इजी स्टेप में समझा रहा हूं, दूसरा कोई शायद इतना इजी स्टेप में आपको ना समझाए, ठीक है ना। क्या करना है हमको, केवल इन सवालों के साथ कबड्डी खेलनी है। कबड्डी खेलना जानते हो आप लोग, स्कूल में खेलते हो ना, बस एक कबड्डी खेल लो ना, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये हो गई कबड्डी हमारी खत्म। चलिए इस हड्डी से भी कबड्डी लड़ते हैं, माइनस 1 बाई 2, छोटा सा सवाल है लेकिन बड़ा है, एंड 2 बाई 3। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 और 3 टू जा 6 और 2 3 जा 6, 2 टू जा 4, 4 बाई 6। अब हमें क्या दिख रहा है, माइनस 3 बाई 6, माइनस 2 बाई 6, माइनस 3 बाई 6, माइनस 2 बाई 6, माइनस 1 बाई 6, 0, 1 बाई 6, 2 बाई 6, 3 बाई 6 और 4 बाई 6 मिल गया। तो कम से कम हमें 5 नंबर तो मिल ही गए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है भैया, लगा दो ना, क्या जाता है, इजी है ना।
बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सरी के बच्चे समझाओ, सॉरी माफ कीजिएगा, एक दो के बच्चों को समझाओगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या किया हमने, लासा ले लिया, माइनस में प्लस में है तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, क्या करना है, यही किया हूं, थोड़ा बाई सिक्स एक्स्ट्रा हो गया है। बस आपको समझाने से मतलब था, आपके समझ में आने से मतलब था, और मेरे ख्याल से मेरा दोनों काम पूरा हो गया और आपका क्वेश्चन नंबर वन भी हो गया कंप्लीट। ओके, अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू पर सर, इसमें भी इसकी जरूरत पड़ती लेकिन हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, तलवार निकल चल गई, अब कर्तन कटे या बचे। राइट फोर मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। लो, सिंपल है भाई, कैसे सिंपल है, आइए देखते हैं। पहला माइनस थ्री, ओके, माइनस सिक्स, माइनस नाइन, माइनस ट्वेल्व, कितने टेबल चल रहा है, तो आप कहेंगे सर थ्री का चल रहा है, चलो पढ़ते हैं ना, कितना और लिखना है, फोर और लिखना है, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, माइनस के साथ तो माइनस लगा दो ना भैया, कौन मना कर रहा है, कौन हाथ पकड़ रहा है, नीचे क्या हो रहा है, फाइव वन जा फाइव टू जा फाइव थ्री जा फाइव फोर जा फाइव फाइव जा फाइव सिक्स जा फाइव सेवन जा फाइव एट जा, हो गया ना फोर मोर स्टेप, सिंपल है। क्वेश्चन टू का माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर, इसमें का पहाड़ा पड़े हैं, वन के बाद टू थ्री फोर और चाहिए ना, फोर फाइव सिक्स सेवन, चलो अभी कामा सामा हम लोग लगा लेंगे, ठीक है ना, कामा कहीं लगाना है ना लगा दो, नीचे क्या है फोर एट, फोर थ्री जा फोर फोर जा फोर फाइव जा फोर सिक्स जा फोर सेवन जा, कर लेना कुछ गलती है तो हम नहीं जानते, थ्री थ्री में क्या है वन, लो थ्री इंटरेस्टिंग भी है, पूछो कहाँ है, कहीं ऊपर माइनस है कहीं प्लस नीचे माइनस है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वन बाई सिक्स, माइनस टू बाई ट्वेल्व, सॉरी इसे माइनस को नीचे कर दी, ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो उसकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है ना, थ्री बाई माइनस एट्टीन, फोर बाई माइनस ट्वेंटी फोर, ठीक वन टू थ्री और फोर, देखते हैं, तो माइनस चाहे ऊपर लगाओ नीचे लगाओ ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, बस एक ही माइनस लगाना चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सिक्स टू जटा सिक्स एट्टी सिक्स ट्वेंटी फोर फाइव जा सिक्स सिक्स जा सिक्स सेवन जा सिक्स एट जा, माइनस पर स्थान पर चाहे जहाँ लगा दो, जरूरी नहीं जहाँ मैंने लगाया आप भी वहीं लगाओ, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो, जैसे आप चाहो तो माइनस यहाँ भी लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इससे वैल्यू पर वैल्यू वही रहेगी, नीचे वाला सवाल भी सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर फोर भी, माइनस टू बाई थ्री, कुछ गड़बड़ है, फिर टू बाई माइनस थ्री, टू बाई माइनस थ्री, पता नहीं मिसप्रिंट हुआ है क्या हुआ है, देखते हैं, फोर बाई माइनस सिक्स, फोर बाई माइनस सिक्स, मतलब कहने के बाद दोनों की वैल्यू सेम है, फोर बाई माइनस सिक्स, सिक्स बाई माइनस नाइन, वन टू थ्री फोर, वही ना, ओके, टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स टू फोर जा एट टू फाइव जा टेन टू सिक्स जा ट्वेल्व टू सेवन जा फोरटीन, थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री सिक्स जा एटीन थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, अब माइनस चाहे ऊपर दे दो चाहे नीचे दे दो, वैसे सब लोग नीचे दिए हम भी नीचे दे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये आपका बड़ी आसानी से हो गया सॉल्व, इसकी कहानी खत्म, पैसा हजम ही कर लो जब फ्री मिल रहा है फिलहाल, तो अपनी जेब से तो लगता नहीं है तो कहां से पता चलेगा, चलो देखते हैं, मजाक कर रहे थे। गिव फोर रेशनल नंबर इक्वलेंट टू, चार रेशनल नंबर जो इसके बराबर हों, माइनस टू बाई सेवन, फाइव बाई माइनस थ्री,
फोर बाई नाइन कितना, चलो कितने लिखने हैं हमको, फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, कामा 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 इज्कवल टू कामा इस कामा इस कामा इस कामा इस कामा, ओके। चलो टेबल आता है पढ़ते हैं, चलो हो गया। आगे देखो यहाँ पर शायद तीसरा सवाल ही इसमें बता पाएंगे, तीसरा सवाल आप तो ध्यान देखिए। टू वन जा टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फाइव जा ट्वेंटी, नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एट्टीन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव। क्या इसमें माइनस है? देखो इसमें तो कोई माइनस नहीं है, इसलिए इसके साथ तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में माइनस है तो चलो, जब ऊपर वाला माइनस है तो ऊपर माइनस दे देते हैं, इसमें नीचे माइनस है तो नीचे माइनस दे देते, कहीं भी दे सकते हैं, बस एक माइनस लगाना है आपको, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह, सॉरी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर वन से लेकर थ्री तक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे तो एक बार जोर से बोलिए कितना है क्वेश्चन नंबर भैया। अरे यार हम लगा लगा के थक गए, पर क्वेश्चन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।